हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ काफी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में जानने वाले हैं सन स्किन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, सन स्किन क्या होता है और उससे अपने फेस को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कौन सी क्रीम है जिससे ज्यादा हाई प्रोटेक्शन हमारे फेस को मिल सकता है, और उसमें क्या चीज ऐसा है उसमें ऐड होना चाहिए जिससे हमारा स्किन काफी अच्छा प्रोटेक्शन हो, धूप से हमें स्किन पे ब्लैकनेस बिल्कुल भी ना आए। और ब्लैकनेस की अगर जैसे कि आप जानते हैं किस समय धूप, गर्मियों में धूप कितनी काफी तेज होती है, ठंड में तो हम लोशन वगैरह यूज करते हैं ताकि स्किन हमारे फटे नहीं, और गर्मियों में हम सन स्किन का यूज करते हैं। सन स्किन का मतलब जो धूप से जो कीड़े निकलते हैं डायरेक्ट हमारे फेस पे न करके कुछ ऐसा जो क्रीम प्रोटेक्शन होता है जिससे हमारे फेस पे डायरेक्ट उस चीज का मतलब जो धूप होती है वो डायरेक्ट हमारे स्किन पे नहीं पड़ती, अगर जो पड़ती भी उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सन स्किन के बारे में। तो मैंने आज लिया हुआ है आपका जॉय का हेलो सन स्किन, देखिए मार्केट में कई तरह के आपको सनस्क्रीन मिल जाएगी आपको, लेकिन सबसे बेस्ट ये होता है, मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली सबसे बेस्ट ये होता है। इसका प्राइस भी बहुत कम होता है अदर कंपनियों के अलावा, इसका यूज भी काफी अच्छा होता है। ये ऑयल फ्री होता है, इसको यूज करने से आपकी स्किन बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगेगी, यहाँ तक कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपने स्किन पे कुछ लगाया हुआ है। और इसके साथ ही साथ आप कोई भी क्रीम अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई कैसे करना है, पहले बात यह है कि ये कितने SPF का है, तो मैं बता दूं ये आपका 30 SPF का है। कम से कम आपको 20 से ऊपर यानी 15 SPF से स्टार्ट होता है, तो 15 से नहीं कम से कम 20 से 30 SPF होना चाहिए। SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला, यानी जो सन जो धूप की कीड़े होते हैं उस चीज से बचाव के लिए क्रीम आपका आता है। लेकिन हर किसी ये सनस्क्रीन तो मैक्सिमम लोग जानते हैं सनस्क्रीन क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, बट इसको यूज करना हर किसी को पता नहीं होता है। बहुत ऐसे लोग हमसे पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते हैं कि सनस्क्रीन हम कैसे यूज करें, क्योंकि सनस्क्रीन हम यूज करते हैं तो बहुत सा सनस्क्रीन ऑयली भी होता है, बहुत सनस्क्रीन विदाउट ऑयली होता है। तो ये जो हम सनस्क्रीन आपको दिखा रहे हैं ये आपको विदाउट ऑयली है, 30 SPF का, यानी SPF भी परफेक्ट है, स्किन ऑयली भी नहीं है बिल्कुल भी। इसको लगाने से बिल्कुल आपकी स्किन में पता नहीं चलता कि आपने कुछ लगाया हुआ है। इसके लगाने के बाद अपने स्किन पे आप कोई भी अदर मेकअप आराम से आप कर सकते हैं, इससे आपके स्किन पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे आप जब ठंड के दिनों में या फिर अदर किसी भी सीजन में जो आप फेस पे अपने फेस पे कोई भी क्रीम या मेकअप अप्लाई करती हैं तो आपको पता होगा कि आप थोड़ा सा कोई भी या फिर गुलाब जल हो या फिर कोई हल्का सा लोशन हो जो मॉइस्चराइजर क्रीम अपने फेस पे अप्लाई हम करते हैं ताकि उसके बाद जो हम मेकअप करें तो हमारे स्किन पे लाइट बना रहे, यानी स्किन हमारे काफी अच्छी लाइट करे, शाइनिंग करे। इसके लिए स्किन पे थोड़ा सा मॉइस्चराइजर होना बहुत जरूरी होता है। तो वैसे ही उसी तरह मॉइस्चराइजर के तौर पे ही आप ये जो आपका सन प्रोटेक्शन क्रीम है ये आप स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको अपने जो भी आपकी बॉडी जो भी खुला हिस्सा है जो कपड़ों के बाहर है, लाइक हमारा जो हैंड होता है इतना हैंड तो हमारा होता ही, जो हम बाहर कर आस्तीन के कपड़ों के बाहर होता है, नेक फ्रंट बैक नेक पे कर सकते हैं, फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, पैरों में अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं आप। इसको अप्लाई करने के बाद उसके बाद आप कोई भी क्रीम कोई भी फाउंडेशन कोई भी क्रीम अपने फेस अप्लाई कर सकते हैं, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता क्योंकि सबसे ही बेस्ट होता है। तो इसको हम देख लेते हैं फ्रेंड्स ये है कैसा, ये बिल्कुल भी व्हाइट कलर का है जिसे हम यूज करते हैं, मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए बिल्कुल ये व्हाइट कलर का है। इसमें से कोई बिल्कुल भी आपको थोड़े भी ऑयल जो कि मैंने इतनी क्वांटिटी में लिया है, देखिए इसको मैं आपको स्किन पे लगा के दिखाती हूँ, बिल्कुल भी स्किन देखिए मेरा बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। इसको मैं लगा के दिखाती हूँ, इतना लगाया हुआ है लेकिन फिर भी आपको स्किन मेरी ड्राई नहीं लगेगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ साथ स्किन आपकी व्हाइटिंग भी करते हैं, भी ध्यान रखिएगा आपकी स्किन पे ग्लो भी काफी अच्छा लाता है इस क्रीम से। मैं आपको करके दिखाती हूँ, देखिए मैं दोनों ही हैंड आपको दिखा रही हूँ,
इस स्किन पे आपको मैंने करके लगा के दिखाया हुआ है, इससे विदाउट लगाए हुए आप देख सकते हैं इस हाथों में ग्लोइंग भी है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, देखिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, आप देख सकते हैं अब कितना अच्छा फर्क पड़ रहा है आपका स्किन में, बिल्कुल लाइट दिख रही है, ग्लो काफी अच्छा ग्लो भी कर रहा है। इसके ऊपर कोई भी आप जो भी मेकअप पर फेस पे अप्लाई करते हैं आप कर सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट इससे नहीं पड़ता। सबसे बेस्ट ये सन स्किन मानी जाती है, क्योंकि हम लोग खुद यूज करते हैं, इसको 4-5 सालों से यूज करें, चेहरे पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सबसे बेस्ट क्रीम होता है ये। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।